तो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार मसालेदार वीडियो में। और मैं जितने भी एक्सपोज और रोस्ट वीडियो डालता हूँ उन वीडियो के कमेंट में सबसे ज्यादा इस बंदे का नाम जरूर रहता है। आप लोग खुद बोलते हो रहित भाई टेक्नो बंदा टेक्नो बंदा टेक्नो बंदा, इस बंदे में ऐसा क्या है जो हमारे लप्पू से सचिन में नहीं है। ये तो टट्टी है। अब रात तो भाई मैं ऐसी भी इंस्टाग्राम चला रहा था तो इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, रजत भाई मैं आज खाना खा रहा था शाम के टाइम बैठ के। मैं बोला आज बैठ के खा रहा था, डेली खड़ा होके खाता था साले तू। फिर वो बोलता है मैं खाना खा रहा था, टेक्नो बंदा का वीडियो मेरे सामने आया, मुझे पूरे दिन से भूख लग रही थी और मेरा भूख मर गया उसकी वीडियो देख के। मैं बोला भाई उसकी वीडियो में ऐसा कौन सा भूत देख लिया जो तुझे भूख लग रही थी और तेरी भूख भाग गई। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद उसके चैनल पे जाना बनता तो था, मैं गया और जैसे ही मैंने उसकी वीडियो देखी तो भाई मेरे मुँह से सिर्फ एक ही चीज निकली, अब तू गया देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। फ्री फायर की कम्युनिटी में ऐसा ही कोई यूट्यूबर होगा जो इसके जैसी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता होगा। इतनी स्क्रिप्टेड शॉर्ट्स तो अमित भाई भी नहीं बनाते जितनी ये बनाता है। अरे अरे सॉरी सॉरी गाइस, अमित भाई का नाम गलती से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, ऐसा मत करो मेरी जान। अब मैं इसके चैनल पे से वहाँ पे कुछ वीडियो को डाउनलोड करके लाया हूँ, अभी मैं उन वीडियो को तुम लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना तुम लोगों को क्या अच्छा लगा क्या नहीं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सारे शॉर्ट्स क्रिएटरों को क्लॉक टावर इतना पसंद क्यों है स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने के लिए। देखो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद बताना ये स्क्रिप्टेड वीडियो है या नहीं है, बस तुम आगे खुद देखो। वाह मेरे भाई वाह, क्या तो स्क्रिप्टेड थी और क्या स्क्रिप्ट थी इस वीडियो की। इस वीडियो को भाई 7 तोप की सलामी नहीं, 1 तोप की सलामी देनी पड़ेगी जो सिर्फ कभी कभी जागती है। हमारी फ्री फायर की कम्युनिटी में अभी भी ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टिकटॉक का कीड़ा भरा हुआ है और गाइस इसे ही बोलते हैं अच्छी भली वीडियो का सत्यानाश कर देना। Emotional damage. और मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हो वो भी फ्री फायर की कम्युनिटी में, तो तुम लोग कभी भी ऐसे यूट्यूबर को फॉलो मत कर लेना और उसका एग्जांपल मैंने तुम्हें इस वीडियो में दे ही दिया है। और मुझे ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ऐसा फील हो रहा है थोड़ा सा जैसे ये टेक्नो बंदा और लाका गेमर दोनों कुंभ के मेले में खोए हुए भाई हैं, क्योंकि भाई दोनों का सेम स्क्रिप्टेड और सेम तरीका है वीडियो बनाने का। कौन है? और रुक जाओ गाइस, मुझे पता है तुम लोगों को एक वीडियो से सबर होता ही नहीं है, तुम लोगों को और भी जानना है तो और दिखाता हूँ। चलो अब देखो सामने वाले बंदे को देख के ही लग रहा है कि हाँ वो भाई काफी पुराना बंदा है, वो 2-3 साल से तो गेम खेल रहा होगा, पर यहाँ पे भाई के लिए 2-3 साल से खेले या 10 साल से खेले कोई मतलब नहीं है। आगे देखो क्या होता है। गाइस आने वाले 7-8 साल के अंदर हमारी इसरो कंपनी के 2-3 मिशन आने वाले हैं और एक मिशन तो इसरो का और नासा का मिक्स होके आएगा, तो मैं इसरो से और नासा से पैर पढ़ के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे फ्री फायर के जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं ऐसे ऐसे इनसे थोड़ा सा ज्ञान ले और 8 साल के मिशन को 1 साल में कम्प्लीट करें। तो गाइस क्या तुम लोगों को पता है दुनिया में एक इतना खतरनाक कीड़ा पाया जाता है जो बेवजह में दूसरों को परेशान करता है, और वो कीड़ा और कोई नहीं, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तुम यहाँ पे सामने वाले बंदे को देखो, उस बंदे का नाम था अंधा। अब अंधा किसको बोलते हैं? अंधा उसको बोलते हैं जिसको दिखाई ना दे या जिसकी आंख ना हो। इसकी हर शॉर्ट्स वीडियो में ये एडम लेके खेलता है और इसके सामने पूरा का पूरा स्क्वाड होता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, पूरा का पूरा स्क्वाड है और ये ओरियन कैरेक्टर से सबको मार देगा भाई। और ये सब चीज देखने के बाद ना तो मेरे पास कोई शब्द बच रहे हैं और ना मेरे पास कोई डायलॉग बचे हैं भाई, पर 5-10 मिनट सोचने के बाद मुझे एक डायलॉग मिला जो मैं अब तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ। इस क्रिएटर का नाम है टेक्नो बंदा, तो अर्ज किया है इस क्रिएटर का नाम है टेक्नो बंदा और इसने कर रखा है फ्री फायर कम्युनिटी को पूरा गंदा। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा था, पर इन्हें देखने के बाद मुझे बिग बॉस अच्छा लगने लगा। बताऊं क्यों? इन क्रिएटर में और बिग बॉस में एक ही फर्क है, बिग बॉस में अपना हगा हुआ खुद साफ करना पड़ता है और यहाँ पे इनका हगा हुआ मुझे साफ करना पड़ रहा है। शर्म करो, भगवान से डरो। मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, कमेंट में जरूर बताना। तुम बैठ के सोचो, तुम दिल्ली में हो और तुम लाल किला घूमने गए हो और अभी अभी तुमने मेरी वीडियो देखी है और वीडियो देखने के 2 मिनट बाद ये टेक्नो बंदा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे मुझे कमेंट में बताओ। अगर यमराज भी मेरे सर पे खड़े होके मुझे 2 ऑप्शन देगा ना कि या तो इसकी वीडियो देख ले या एक आंख से अंधा हो जा, तो मैं फिर इतना ही बोलूंगा भाई मुझे एक आंख से नहीं दोनों आंखों से अंधा कर दो ताकि मुझे इस प्राणी की वीडियो दोबारा देखने को ना मिले। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। गाइस सिंगिंग एक ऐसी आर्ट है जिससे आप किसी को रुला भी सकते हो, इससे हंसा भी सकते हो, पर ये दुनिया का एक लौता क्रिएटर है जो किसी को हंसाता रुलाता नहीं सीधा कोमा में भेजता है, वो भी अपनी वीडियो दिखाकर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर,
बुरा नहीं मानना सर। जैसे कि तुम लोग इस वाली वीडियो को देख लो, ये कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो है और कितनी मेहनत की है इस बंदे ने इस वीडियो को बनाने में। और इस मेहनत को देखने के बाद तुम लोग भी इसे 7 तोपों की सलामी दोगे। अरे तुम लोगों ने वो वाली ट्रांजेक्शन वीडियो तो देखी होगी जिसमें आदमी एकदम से गरीब होता है और ट्रांजेक्शन करते ही एकदम अमीर हो जाता है। पर ये है दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रांजेक्शन वीडियो। अगर तुम लोगों में से किसी भाई की जिंदगी में दुख चल रहा है तो सिर्फ तुम लोगों को इस भाई की वीडियो देखनी है तो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा दुख अल्ट्रा प्रो मैक्स। इंडियन टीवी सीरियल और इसकी वीडियो में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों में ओवर करके दिखाया गया है। सही बताऊं तो गाइस हमारी फ्री फायर की कम्युनिटी जो है ऐसे क्रिएटर की वजह से सबसे ज्यादा बदनाम है। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी वाला इसकी वीडियो देखेगा तो वो ये बोलेगा भाई इतना स्क्रिप्टेड बना रहा है, ऑडियंस का पागल बनाता है, मतलब इतनी पागल ऑडियंस है फ्री फायर की। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ऐसी हरकतें अधिकतर वीवेज यूट्यूबर ही क्यों करते हैं। तो भाई अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो जो भी इस तरीके का कंटेंट बनाते हो तो भाई सुधर जाओ और अपनी कम्युनिटी का नाम ऊपर करो। सो गाइस अगर तुम लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिस वीडियो में मैं टूर्नामेंट करा रहा हूं जिसका प्राइस पूल है 8,000 रुपए, तो जाके चैनल पे देख लो और मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया, जाके देख लो यार। और नेक्स्ट किस क्रिएटर के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बता देना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम तो उड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे मालामाल, अब तो होना है वही जो बनाए जहां। हो गए जमा धीरे धीरे मालामाल, अब तो होना है वही जो बनाए जहां।